तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है क्रीचर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताया कि ये एक हॉरर सीरीज़ है और इससे पहले भी नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही के अंदर एक तरह से द डेविल ऑन ट्रायल नाम की एक मूवी आई थी जो कि डॉक्यूमेंट्री थी। उस पर भी बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप सभी का देखने को मिला था और मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से वो मूवी है। तो आप उससे भी जाकर देख सकते हो, आपने नहीं देखा हो तो। लेकिन आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी हॉरर सीरीज़ है जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज इसके अंदर कवर करेंगे हम इसी सीरीज़ के बारे में, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर जिसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम इस सीरीज़ के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसकी शैली आपको देखने पर झकझोर कर देगी और आप अंदर तक हिल जाएंगे। एक ओटोमन युग के दौरान इस्तांबुल में स्थापित एक लापरवाह वैज्ञानिक को एक त्रासदी का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उसका एक छात्र जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए प्रमाणिक तकनीकों का यूज़ करता है। और मतलब इसमें आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही खतरनाक और बहुत ही थ्रिलर फिल्म है। इसके निर्देशक कागन इरमाक हैं। कागन इरमाक ही इसके लेखक हैं। मैरी शैली के साथ मैरी शैली भी इसके लेखक हैं। इसमें जो एक्टर्स हैं जिनका नाम है टेनर एलमेज, एरकन कोलचक रिफ, सिफनुर गुल, बैग स्ट्राकिंग, डेविन याकुल, दुरुल बजान। और इसके साथ बहुत सारे इसमें एक्टर हैं। आराम दिलावर भी हैं, मैकेट कॉपर हैं, इंजिना सुलेकर भी हैं और ये सब भी हैं। तो आज हम इसी मूवी के बारे में जानेंगे जिसे IMDb पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। इसको 7.10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार है। और दोस्तों नेटफ्लिक्स की जो सीरीज आती हैं जिनका जो कि सस्पेंस और थ्रिलर से रिलेटेड होती है वो बहुत ही शानदार होती है। और ये 2022 में आई थी, 2023 में आएगी और इसका एपिसोड है जो 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुआ था, वो कि बहुत ही शानदार था। और ये देखने के बाद एक कमेंट आया था, उसको रिव्यू करने के बाद हम उसको आपके ऊपर ये बना रहे हैं। और इसमें अब बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की, पोस्ट ऑफिस कलेक्शन की और बहुत सारे ऑल कास्ट एंड रिव्यू के बारे में। और इसके बारे में कुल मिला के टोटल अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम वापस शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है द क्रिएचर, यानी कि द प्राणी जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नेटफ्लिक्स के लिए अक्टूबर में एक बेहतरीन महीना लग रहा है क्योंकि इसमें एक के बाद एक हॉरर मूवी, हॉरर सीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ एशर के बाद द फैंटासी ड्रामा सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है द क्रिएचर। यदि आप नेटफ्लिक्स पर क्रिएचर देखने के लिए उत्सुक है तो उसको देखना चाहते तो हम उसके बारे में आपके लिए एक गाइड बनाए हैं। ये आपके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। पूरा टोटल मिला के आपके सामने ये सब कुछ है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में। फंतासी ड्रामा फ्रीज का ये पहला सीज़न 20 अक्टूबर 2023 को 12 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। इसके बाद आप अपने जो इंडिया में है 20 अक्टूबर को 2 बजे से आप रिलीज समय पर देख सकते हैं। ये एक लिमिटेड सीरीज है। इसके जो भविष्य में दूसरा सीज़न शायद आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये जो एक नेटफ्लिक्स ने था इसे लिमिटेड सीरीज़ के रूप में पेश किया गया है। और नेटफ्लिक्स क्रीचर के कुल 8 एपिसोड है जिसमें आप प्रत्येक एपिसोड का रन टाइम फ़िलहाल जो है अज्ञात है। कि यहाँ ये फंतासी फिल्म एक मिनी क्रीचर किताब पर आधारित है। फंतासी किताब पर आधारित है। इसमें अंग्रेजी लेखिका मेरी शेली 1818 के उपन्यास फैक स्ट्री पर आधारित है। तुर्की अभिनेता तनेर अलजेम जिया की मुख्य भूमिका निभाई है, जो एक युवा मेडिकल छात्र हैं जो एक दिन संक्रामक रोगों का इलाज खोजने का सपना देखती है। अपने पहले अलमेज की तुर्की टीवी शो कालाप कार्सी इस्तांबुल अल्टवा न्याकायप सहित एंड द इविप्ट द मैंसबिक सेंचुरी द कोसम द मरबेक अल्फैब में देखा होगा। प्रतिभाशाली तुर्की अभिनेता अर्कान कोलबैक कोस्टिड में एक डॉक्टर एहसान की भूमिका निभाते हैं जो जियो के साथ एक निश्चित प्रयोग करता है। जो तुर्की टीवी शो द बेडजिक द मैगजीन सेंचुरी कोसम और कैलिफोर्निया की पिछली भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। तुर्की फिल्मों में कारा बेला हास्टैंग बिंडार्म कलफूज द गिराज में भी अभिनय किया है। यहाँ बाकी कलाकार कैसे हैं मुजफ्फर के रूप। अब हम इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मुजफ्फर के रूप में एंगिन बैलिन, असिये के रूप में सिफानुर गुल, बुलवेंग संगाम ओमर कप्तान के रूप में, उस्रीन नाइने के रूप में, सेमा स्केचबाज, डेविड यकातु ओल्फेनिया के रूप में, अहसूर अंकादिया यहमदी के रूप में, वसालिया के रूप में दुरुल बजान, सुलेमान के रूप में मैकिन कॉपर, यूसेन के रूप में कैंसिन अर्सलैंड, गुलफैम के रूप में उल्फ तुलगुल, हैटर नाइट के रूप में सोलन गेंटस, एम्मा के रूप में बरकू सेलियार। नेटफ्लिक्स क्रीचर पर क्या है? क्रीचर यानी एक महाकाव्य कहानी जो ओटोमन साम्राज्य के अंतिम युग में घटित होती है। मानव जाति के सबसे बेबुनियाद प्रश्नों में से एक मृत्यु और उसके बाद के जीवन की पर आधारित है। जिया एक साहसिक विद्रोह संपन्न और स्मार्ट युवा मेडिकल छात्रा के उत्कृष्ट चिकित्सक बनने और संक्रामक रोग का इलाज खोजने का दम्य इच्छा है। जिया का रास्ता एक साथी मेडिकल डॉक्टर इम्तिहान से मिलता है जो प्रतिभा और पागलपन के बीच महीन रेखा को संतुलित करता है। वह एक मात्र व्यक्ति है जो जिया की महत्वाकांक्षा को सही मायने में समझता। हालांकि दो अलग थलग घायल आत्मा एक निश्चित प्रयोग में कीमत चुकाएगी जिसे संचालित करने के लिए वे काफ़ी बहादुर थे, जिसे प्राचीन क्रिएशन और डिक्रिप्ट करने का प्रयास किया। एक मुसीबत सारी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आप इन जैसे कि चित्र चल पा रहे हैं, आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ आ पाएगा कि ये इसका जो बहुत शानदार मूवी है। ये 7 सितंबर को इसका आधिकारिक ट्रेलर जो जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि यार इसे देखना चाहिए मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार थ्रिलर सीरीज है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्रिएचर कास्ट अलमेजर एलकेट कोलेक कोस्टेल सिनाफुर गिल। क्रिएचर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर। क्रिएचर एपिसोड 8 मानवता की पीड़ा समाधान बीमारी के इलाज की खोल गई दो चिकित्सकों द्वारा मानव के विपरीत उद्यम और ब्रह्मांड के रहस्य को खोज करने के लिए एक रहस्य कार्य है। इसमें दो चिकित्सकों के मानक उद्यम करने के साथ साथ साहसिक कार्य का। यारा तिलिन उर्फ क्रिएचर एक तुर्की ड्रामा फैंटेसी टीवी सीरीज 2023 है। टेनर अलमेज अलमेक कोलेक कोस्टेंडिल 2023 के मुख्य कलाकार हैं। ये शो दुनिया के रहस्यों को खोजने का प्रयास करने वाली है, एक महत्वाकांक्षी और एक महत्वपूर्ण सुनियोजित टीवी सीरीज है। ये तुर्की फैंटेसी टीवी सीरीज 2023 है। इसमें टेनर अलमेज अलकोजक कोस्टेल सिनाफुर गुल क्रिएचर 2023 के मुख्य कलाकार हैं। रहस्यों को खोजने के प्रयास साथ साथ एक महत्वाकांक्षी सूर्योषित छात्रा मेडिकल जिया और उसके साथ ही एहसान की कठिन यात्रा को दर्शाता है। 8 एपिसोड में पहला अनुबंध पूरा कर चुके कैगन इमारत की नई श्रृंखला पर आधार अभी तक हमने नहीं आया। हालांकि शो के कथनाक अन्य विवरण अटवेन के साथ साथ घोषित होते हैं, हरले और अंतिम बयानों में भी सामने आएंगे। कंपनी के निर्देशन कैगन इमरान ने इस लिखित नोट के साथ नवीनतम ट्रेलर और छवियां इसकी जारी की। इसमें यदि ऑटोमन बुल युग के इस्तांबुल में एक नासमझ वैज्ञानिक पर कोई त्रासदी आती है तो वह छात्र अपने शोध को विनाशकारी परिणामों के साथ समाप्त करने के लिए गैर परीक्षणित तरीकों का उपयोग करता है। यारतलिन अका क्रिएचर 2023 की टीवी सीरीज है। नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो जैनर है वो ड्रामा है, फैंतासी है, हिस्ट्री है और साइंस है, स्काईफाई है। तुर्की देश से आया है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तुर्की है, लेकिन ये आपको नेटफ्लिक्स और अपनी रीजनल लैंग्वेज पर देखने को मिल जाएगी। 20 अक्टूबर 2023 को इसको रिलीज किया गया है। इसका सीज़न फर्स्ट है और एपिसोड इसमें 8 है। इसको शूट किया गया बरसात तुर्की के अंदर ही है। इसको क्रीचर नेटफ्लिक्स यारताना नेटफ्लिक्स क्रीचर नेटफ्लिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें डायरेक्टर के आपने बता दिया कि मिनी सीरीज़ जिसे वर्तमान नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म की तैयारी विकसित किया जा रहा है वह अपने शानदार अभिनेता और टीम के बदले अपनी जगह बनाएगा। टीम मेगा द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई घोषणा से ये शो वर्तमान में उत्पादन में है। यारतने काका क्रिएचर नेटफ्लिक्स 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। प्रसिद्ध निर्देशक ब्लू टीवी प्रसारित करने होने वाले ये कोलसम शो आखिरी शूटिंग की थी। उन्होंने पास ब्लू टीवी प्लेटफॉर्म है जो नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी टोपी लगा दी है। नेटफ्लिक्स के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाएगा। नेटफ्लिक्स का जो प्लेटफॉर्म है उन्हें अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि बहुत सारे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित हमारी तरफ होगा। प्रतिभाशाली निर्देशक कैगन इरमाक ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनकी अक्सर चर्चाएं होती रहती है। दोस्तों इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। मेरे द्वारा भी अगर इसको देखा जाए तो इसमें 10 में से 7.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है। इसको देखने के बाद अच्छा लगा और इसको काफ़ी अच्छा फिल्माया भी गया है। सस्पेंस इसमें बना रहता है, तो मैं यही कहूँगा इसे आप देख सकते हैं, वो भी आसानी से, यदि आप भी स्काई 5 मूवी के फ़ैन हैं तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके स्टार कास्ट की, जिसमें सबसे पहले आते हैं टैनर एलमेज। टैनर एलमेज जिनका जन्म 9 अगस्त 1986 को हुआ था, ये एक तुर्की के अभिनेता हैं। उनका परिवार तुर्सेल्दी के जाजा वंश का है। वे अपने बराबर ग्रुप के प्रमुख गायक थे। उनके भाई टाइलन ओजमोर अलमेज के एक संगीतकार हैं। उन्होंने जून 2021 में इजी कॉम्पेंजी से शादी की। अब दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2009 में की थी। उनका पहला लोकप्रिय नाटक काइब शहर था, जहां उन्होंने सादिक के रूप में अभिनय किया था। उन्हें जो प्रसिद्धि मिली वो मैसेजिर से मिली, जिसमें उन्होंने मर्ट असीम सैरेज की भूमिका निभाई। मैसेजिर के सह कलाकार हजार एक्लोवे था। उन्होंने अवास्तविक कॉमेडी श्रृंखला डुडलू, पोस्टेसी और फंतासी श्रृंखला हाकन मुहाफिज और इसके साथ साथ ही इसने अभिनय शुरू किया। मुहाफिज से अभिनय किया और उन्हें टेली मेडिकल श्रृंखला म्यूसिस डॉक्टर में अली वेफा का किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है। उसे अपनी पत्नी ऐसे म्यूगो के साथ उन्होंने मुझसे यूजमिल कोस में और यूजे यूजे में अभिनय किया। उन्हें जासूसी नाटक अल्फेक और सिफार केरस्वैक भी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया कि 9 अगस्त 1986 को होता है, इस हिसाब से इनकी उम्र 37 ईयर ओल्ड है। तुलसेल तुर्की के रहने वाले हैं। इनकी शिक्षा हुई इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ऑफ कंटेंसी थिएटर विभाग से। पेशे से ये एक अभिनेता है। 2009 से अभी तक ये वर्क करते आ रहे। इनकी जीवन साथी, जैसा मैंने आपको बताया कि कैम्समियन गुलगू है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2009 से अभी तक वर्क करते आ रहे हैं। तो इनका हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इन्होंने फिल्मोग्राफी की थी 2009 में, जिसका 2009 और 10 में, जिसमें 9 में सबसे पहला था कुल वे अंदेजी। इसमें इन्होंने कैमल की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2010 में और भी बहुत कुछ युवा युतिन मोन्जा की भूमिका निभाई। 2011 में इस्तांबुल अलसिफारी मुस्तफ़ा की भूमिका निभाई। 2012 में कशिफ शोहिर शादिक टोसापासा की भूमिका निभाई। इसके बाद 2013 में किलबिक ग्रिंग डेजिन बारन की भूमिका निभाई। 2013 में तारन रमज़ान कोबन अहमद की भूमिका निभाई। इसके बाद यूजे और बढ़ते गए। और इसके बाद आप देख ही पा रहे हैं, वेब सीरीज़ की बात करूँ तो 2018 में इन्होंने सबसे पहला टुडुल्लू पटासी टेम्पोर सैम की भूमिका निभाई, स्टमैन सेल्जर कोरेंसो अयाज की भूमिका निभाई। इसके बाद 2020 में अखन महफूज बुराक की भूमिका निभाई। 2022 में दुकान ऑनलाइन सिनार की भूमिका निभाई और फिर यात्रा नील, जिसमें क्रिएचर के नाम से भी जाना जाता है, वो वेब सीरीज में ये देखने को मिलेंगे। और इनकी डॉक्टर की भूमिका वैज्ञानिक के रूप में बहुत ही शानदार थी, इसलिए इसी रोल को देखते हुए इन्हें इस सीरीज में वर्क किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, वेब सीरीज़ तो थी, इसके बाद इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज की है और लगातार शॉर्ट के साथ साथ वर्क करते आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपके कोई भी सजेशन, रिव्यू या कमेंट हो तो आप हमें बेझिझक बताइए, हम उन्हें देखते हैं और उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। आप जैसे ही कमेंट करते हैं उसके 1-2 दिन बाद ही हम उस पर बना देते हैं मूवी और इसमें आप देख पाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है एर्कन कोकल कोस्टेंडिल। एर्कन कोकल कोस्टेंडिल, इनका जन्म 16 जनवरी 1983 को हुआ था। ये एक और तुर्की के अभिनेता हैं और इसके साथ साथ ये निर्देशक यानी कि डायरेक्टर भी हैं। इनका परिवार बेसिक तुर्की मूल का है, जो कि कैस्टूड में आकर बस गया। उनके चचेरे भाई अभिनेता बुस्टेल सरकारा है। उन्होंने अभिनेत्री कैसोनो तोसोन से शादी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर, नाटकों, फिल्म और टीवी सीरीज भूमिकाओं के साथ की। हालांकि अंततः वह उलान, इस्तांबुल और बाद में सुकूर में अपनी भूमिका के साथ जाने गए। उनकी फंतासी श्रृंखला गोरेम एडम यंगाटिका है। उन्होंने हियाली, हिंकोंशी, कन्नड यांडी, सकाया फिराटे, मैरम मोहनतम, यूजिल कौसेम जैसी हिट श्रृंखलाओं में सहायक भूमिका निभाई है। उन्होंने कई लघु फिल्मों में से उनकी भूमिका के लिए पुरस्कार भी जीते हैं। अब इनके जीवन और करियर की बात कर लेते हैं। कोस्टेंडिल का जन्म 1983 में बरसा में हुआ। बरसा एक हांतुक हाई स्कूल के स्नातक है। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान वह वर्सो फेयर फुटबॉल टीम के सदस्य थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत ट्यून 10। दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो ये एक मिनी सीरीज है, जिसके अंदर अभी तकरीबन 5 से 6 एपिसोड देखने को मिले हैं। और लेंथ की बात की जाए तो प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 30 से 40 मिनट बताई जा रही है, जो कि ठीक ठाक लेंथ है मिनी सीरीज के हिसाब से। और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका एंड 1 या 2 एक तरह से पार्ट के अंदर ही कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर ज़बरदस्त एक तरह से हॉरर टाइप सीन्स भी देखने को मिले हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में देख लिया होगा। बाकी दोस्तों इसी के साथ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पर भी एक तरह से थोड़ा कुछ स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की है। बाकी आपके हो गए तो मैं एक स्पेशली एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपके लिए ला दूंगा। और बाकी दोस्तों अब हम आगे चल के इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। रंजिंग थिएटर, अटुल अकुरेसी, तरशाम, इसराइल जैसे नाटकों से की। और इसके साथ साथ ही आपको बता दूँ कि 2009 में उन्होंने मुकद्दर श्रृंखला लिखी और निर्देशित की, जो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रकाशित हुई। उन्होंने एक्शन सीरीज मैट में एक भूमिका मिली। उन्होंने एमरे का किरदार निभाया। 2010 में उन्होंने शॉर्ट फिल्म वाकित लिखी, जो निर्देशित की, जिसमें सिने पार्क फोर्थ वेल लघु फिल्म महोत्सव, स्क्वेयर कार्ड मिडास लघु फिल्म महोत्सव में 47वें अंतर्राष्ट्रीय अंताल्या फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने फीचर फिल्म तौरबेक्चिन आरसिर में ये परिदृश्य भी लिखा, जिसमें एडजम और इस्तांबुल में शूट किया गया था। उनकी चौथी लघु फिल्म परियोजना शुमा थी, जो 2018 में रिलीज हुई और लॉस एंजलिस फिल्म अवार्ड तुर्की में अच्छे कॉमेडी कार्य के लिए एक रूप में प्रदर्शित हुई। इसके बाद कल्पू ड्रामो कॉर्प थिएटर, अतुल कंकनी थिएटर, इसमें इन्होंने वर्क करना शुरू किया। 16 जनवरी जैसा कि मैंने बताया कि 16 जनवरी 1983 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र 40 ईयर्स ओल्ड है। वर्षा तुर्की के रहने वाले, अलमा सेंटर मेमल बियानी लतीन कला विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है। अभिनेता और निर्देशक के व्यवसाय के रूप में 2005 से अभी तक ये करंटली वर्क करते आ रहे हैं। जीवन साथी कांसू तोसुन है, जो कि एक खुद अभिनेत्री हैं। इनके बच्चे एक हैं और रिश्तेदार बुलेंट सकारात्मक चचेरे भाई हैं, जो कि खुद एक अभिनेता हैं। इसके साथ आपको मैंने बताया था कि 2005 से वर्क करते आ रहे हैं। वेब सीरीज़ की शुरुआत इन्होंने 2017 से की थी। गोरुनैन एडम कुर्सुलू की भूमिका निभाई। फिर उसके जस्ट बाद 2023 में युत्रानिना प्राणी क्रीचर जिसे बोलते हैं उसमें दिखी। 2005 से वर्क करते आ रहे हैं। 2005 से इन्होंने वर्क किया। कंडरन वाटसी में मातिका साथी की भूमिका निभाई। ये एक टेलीविज़न सीरीज थी। इसके बाद ये लगातार टेलीविज़न सीरीज करते गए। 2009 फिर 5 के बाद इन्होंने 2009 और 2012 में सकरिया फराता में भूमिका निभाई। इसके बाद एरा अहमद मुकर्रम की भूमिका थी। इसके बाद 2012 में बबलर और एवेंटालर में एहान की भूमिका निभाई। इसके बाद 2013 में मेहमेट की भूमिका निभाई। इसके बाद 2014-15 इस्तांबुल उलाक इस्तांबुल करसोले ने विजादी की भूमिका निभाई। उन्होंने 2015 और 16 में मेहुसिन यूजिम कौसिम आहिन गिराई यान की भूमिका निभाई। 2016 में परिवार में टर्पेक बेंगालू की भूमिका निभाई। इसके बाद 2017 में बेरी डीला सेवड़ा महतम गोंडीज की भूमिका निभाई। 2017 से 21 तक सुकूर की भूमिका निभाई। 2019 से कारपिस्मा युगुला डांसिंग कॉली कोकलवेती की भूमिका निभाई। इसके बाद फिल्म में वर्क करने लगे 2008 में, जिसका नाम था गुज संजीशी प्रदर्शक की भूमिका निभाई। इसके बाद 2009 चटाई मैकलर कम्ब्रिज मुख्तारिम में चाय निर्माता की भूमिका निभाई। इसके बाद 2014 में इति राजिम वॉर्ड अति मानव की भूमिका निभाई। इसके बाद यामुड़े कियांगटे सैनोल की भूमिका निभाई। इसके बाद कारा बेला योगा टार्की टैक्सी ड्राइवर फिकेट की भूमिका निभाई और इससे लगातार ये वर्क करते आ रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने 2022 में बांदीराम फ्यूज कुलगू ने काटे की भूमिका ताहिरी दासी की भूमिका निभाई है। और इसके बाद ये आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नए स्टार कास्ट की, जिनका नाम है डेनिम याकुल के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जैसे इनको डेनिम याकुल भी बोला जाता है। सेहद देवरिया याकुल ये इनका पूरा नाम है। जन्म 27 मई 1968। ये एक तुर्की की अभिनेत्री हैं। उनके जीवन और करियर की बात हम कर लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों याकुत ने 1992 में अंकारा विश्वविद्यालय DCTF थिएटर विभाग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। और उन्होंने पहले थिएटर सिद्धांतों का अध्ययन किया और DCTF थिएटर विभाग में अभिनय किया। ये वह 1994 में एक अभिनेत्री के रूप में अदाना स्टेट थिएटर में शामिल हुई और 2003 तक जहां पर काम किया। इसके बाद उन्होंने अदाना थिएटर वर्कशॉप की स्थापना की और अभिनय के अलावा उन्होंने इस संस्था में निर्माता और प्रशिक्षक के रूप में भी वर्क किया। उन्होंने 2003 में अंकारा स्टेट थिएटर में नियुक्त किया गया था। 2005 में उन्होंने अंकारा विश्वविद्यालय में DCTF थिएटर विभाग में बुनियादी अभिनय प्रणाली शुरू किया और उन्होंने 2007 में अंकारा स्टेट थिएटर में उप निर्देशक और 2007-08 में अंकारा स्टेट थिएटर के निर्देशक के रूप में काम किया। 2006 और 2007 के बीच वे आयासा प्रोडक्शन थिएटर में अतिथि अभिनेत्री के रूप में ऑक्सीनी पियसरे कादिनी नाटक में शामिल हुए। बाद में उन्होंने बाहिसिर विश्वविद्यालय और दास अकेडमी में मास्टर कार्यक्रम भी अभिनय सिखाया। 2000 के दशक के उपरांत से वह विभिन्न फिल्मों और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी। अभिनय के अलावा 2021 में उनकी पहली पुस्तक अकीमिनी अयासी कॉन्सोसिस प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पूरा नाम सेहर ड्रेविड याकुत है। 27 मई 1968 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से ये 55 साल पुरानी मतलब ओल्ड हैं। पेशा अभिनेत्री हैं। 1992 से अभी तक ये वर्क करती आ रही हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ, रंगमंच में ये वर्क करती गई थी। माणिक अटक पहले इनका नाटक था और इसके बाद ये वर्क करती गई और ये अभी तक इनका लास्ट थिएटर नाटक 2019 में हुआ था। और सबसे पहले 1992 का नाटक मैं आपको बता दूं, बीर सहजान और यूनिटी रंगूल और जामा अंकारा स्टेट थिएटर में ही हुआ था। फिल्मोग्राफी में उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। एंजिन क्यूकरू, उनताम बैनी हिसार, बुसलेका, डैनियल बसला, कैंसलेली, अर्ली डेस्टानी, अकेन कुसिम बैन और कुसोकूट सेवडियम, डुगडुगो डरनेग, अनाली और लुक, अनासी योगलू, यामासी क्रियाटिव, विकटोंग 2013, होम ऑफिस 2013, एट सनी 2015, बना सला, अन लतमा, एक्सी अलमागर, एंडे, सुजान करजान, जोरकी करमाहन, अतासी निरासी, बाबा पारसी की जैसे भूमिका निभाई। इनको पुरस्कार 2007 में बहुत सारे पुरस्कार मिले। सदरिक एथलीट थिएटर अवार्ड, सर्सेस कॉमेडी अभिनेत्री के लिए कोकासिन पेटर्न कैडिसन में इन्होंने काम किया और इन्होंने जीता। के बाद 2008 में इनको वर्क मिला अंकारा आर्ट इंस्टीट्यूशन, वर्ष अभिनेत्री ऑफ ईयर मतलब एक्ट्रेस ऑफ द ईयर के लिए इन्हें मिला अंकारा आर्ट इंस्टीट्यूट से। टैक किसी शहर के लिए इन्हें मिला। फिर 2019 में इन्होंने जीता सदरी एथलीट थिएटर अवार्ड्स, कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की माणिक अटक के लिए जीता इन्होंने। स्किचेस बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों अभिनेता के बारे में। दूसरे अभिनेता जिनका अभिनेत्री जिनका नाम है सिफानुर गुल। सिफानुर गुल के बारे में अच्छे से जानेंगे और इनके बारे में पूरा जानेंगे। सिफानुर गुल, इनके बारे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल तो नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इनके बताते हैं। दोस्तों बताने से पहले मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग में से काफ़ी लोग देखते तो हैं, लेकिन आप लोग है ना वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसमें है ना आप कभी भी है ना सब्सक्राइब नहीं करते। आज देखिए मैंने देखा कि 90% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। हमारे 1 लाख से ज़्यादा का परिवार बढ़ चुका है, लेकिन आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें। अगर सब्सक्राइब करते तो दोस्तों हमारा टारगेट 1 मिलियन का है, तो इसे देखिएगा, ज़रूर पड़ेगा। सिफानुर गुल का जन्म 26 नवंबर 1997 को अंकारा तुर्की में हुआ। वे एक अभिनेत्री हैं जिन्हें द टेलर 2023, सेवडियम सैनी बी केरे 2019 और ग्लास वीएम के लिए जाना जाता है। ये अंकारा और तुर्की की रहने वाली हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी अभिनेत्री बहुत अच्छी हैं। इनकी जो एक टीवी सीरीज़ आई थी जिसका नाम था दर्जी, टीवी सीरीज़ के लिए इन्हें जाना जाता है, द ट्रेलर। यह बहुत ही शानदार सीरीज़ थी, इसके लिए इन्हें जाना गया था और ये बहुत ही शानदार थी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट स्टार की बात कर लेते हैं जिनका नाम है दुरुल बजान। दुरुल बजान के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और विकिपीडिया में इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। दुरुल बजान जिन्हें का जन्म 20 सितंबर 1972 इस्तांबुल एक तुर्की में हुआ था। ये एक थिएटर और सिनेमा अभिनेत्री है। दुरुल बजान ने 2002 में टीवी श्रृंखला क्रिश्चर में टर्कान की भूमिका के साथ टेलीविज़न पर कदम रखा। वह 2001 में टीवी श्रृंखला अस्किम अस्किम ने टाटी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई और इसके साथ ही फिल्म में पपाता इल्बे बाबाबीर में उन्हें आमोर का किरदार निभाया था। 2002 में वह टीवी श्रृंखला आमिर डकैन में एक अतिथि अभिनेता के रूप में दिखाई दी। 2002 में उन्हें टीवी श्रृंखला अहमोली तमालू और पिज्जा में सेमिस्तान का किरदार निभाया। 2002 में फिर से वह याकिंदी अटिंडा नामक टीवी सीरीज में हयाती का किरदार निभाया। 2003 में उन्होंने टीवी सीरीज हयाती मिंगल्स में रमजान के किरदार के साथ भाग लिया और 2003 में उन्होंने टीवी श्रृंखला युवम यकासिम अल्पासिन की भूमिका निभाई। 2004 में वह उन्होंने टीवी सीरीज कैनिम बैनिम में अली का किरदार निभाया। 2005 में उन्होंने तुर्की फिल्म टम्बाला में साकिर का किरदार निभाया। ये फिल्म उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। 2005 में उन्होंने टीवी श्रृंखला ओसीस अल ओल योमिनी में मीनो की भूमिका निभाई। 2006 में अभिनेता दर्शक के साथ तुर्की फिल्म मस्क्वाइट फाइव इराक में डेविड के रूप में फिल्म, एम्बेड कमांडर शाह मेट में यूसुफ के रूप में दिखाई दिए और 2007 में उन्होंने फिल्म सोंडर्स आज की कैम की भूमिका निभाई और विश्वविद्यालय 2009 में उन्होंने फिल्म डच मस्ट बी क्रेजी पारेट अकोन सैम का किरदार निभाया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और फिल्मों में भाग लेने वाले अभिनेता ने टीवी श्रृंखला अपूर्वा में टैफिन का किरदार निभाया जो 2011 में GRT1 पर प्रसारित हुआ था और उन्होंने टीवी श्रृंखला कोकुनम एलए में कोकुनम कुंगू का किरदार निभाया जिसका प्रसारण 2014 को गर्मियों में फॉक्स पर शुरू हुआ था। और इसके साथ साथ ही आपको बता देता हूं मैं कि 2002 से ये अभी तक ये वर्क करते आ रहे अभिनेता। इनका काम है 20 सितंबर 1972 से इनका जन्म हुआ था, इस हिसाब से 51 ईयर ओल्ड हैं। इस्तांबुल तुर्की के रहने वाले हैं। अब इनकी बात करते हैं दूसरे कास्ट के बारे में जिनका नाम आपको बताते हैं। उनका नाम है बुलेट संक्राका। बुलेट संक्राका की बात कर लेते हैं। बुलेट संक्राका का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1977 को। ये तुर्की एक्टर एंड टीवी प्रेजेंटर भी रह चुके हैं। जीवन और करियर के बारे में इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। संक्राका का जन्म 26 अगस्त 1977 को इस्तांबुल में हुआ था और इसके साथ साथ ही उन्होंने 1996 में कार्तल आर्ट स्टूडियो में और युवा और बच्चों के नाटकों में भाग लेकर मंचन अपना शुरू किया था। इसके साथ साथ ही 1988 में उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में स्टेट कंजर्वेटरी में थिएटर विभाग में और दाखिला लिया और कार्टेल आर्ट स्टूडियो छोड़ने के बाद इन्होंने 2004 में कंटेंट ऑक्यूस्ट्रीट में कलाकारों में प्रवेश करने से पहले उन्हें मुद्दजत गैचन थिएटर और यलाला आर्ट सेंटर थिएटर में भूमिकाएं मिली। यहाँ उन्होंने डाइट फॉर द एट, द 39 स्टेप, डीलर चॉइस और द लेफ्टिनेंट जैसे विभिन्न नाटकों में कास्ट किया और इशनी मोर का 2016 में इस्तांबुल स्टेट थिएटर में द 39 स्टेप को द मंच पर लाने के बाद उन्होंने फुल्ली कम्युनिटेड नाटक के लिए कथावाचक के रूप में काम किया जो उसी स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने हिट पुलिस श्रृंखला ये नाल यह काई में अवनी की भूमिका निभाई और मंच पर अपने करियर के अलावा संक्राक को विभिन्न टीवी श्रृंखलाओं में कास्ट किया गया और 2018 में उन्होंने ब्लू टीवी के ड्यूटी पोस्टी के साथ एक वेब सीरीज में उनकी पहली भूमिका की। इसमें उन्होंने अपना खुद का कार्य बुसेल संक्राका भी प्रस्तुत किया जो ला आर्ट पर नियत यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा जिसका और रंगमंच पर ये वर्क करते आ रहे हैं। 26 अगस्त 1997 में इनका जन्म होता है, इस हिसाब से इनकी उम्र 46 ईयर ओल्ड है। इस्तांबुल तुर्की के रहने वाले हैं। अभिनेता टीवी प्रस्तुत हैं 1995 से लेकर के अभी तक वर्क करते आ रहे हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम सोएडा डुरवेसी हैं और इनके बच्चे एक हैं। रिश्तेदार एरकन कोचक कोलसिटी जो कि चचेरा इनका भाई है, वो भी एक अभिनेत्री और के हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1995 से वर्क करते आ रहे हैं तो बता देते हैं आपको कि 1995 से ये बिजिम बेले जो एक टीवी सीरीज़ थी, टीवी नाटक, उस पर वर्क करे थे। उसके बाद 1999 में इन्होंने थियाम हिया केसी के वर्क किलानी कार 21/2004 2005 में वर्क करते आ रहे हैं और हाथी मलाई से मियाँ ने मावी ने सुरगुन की भूमिका निभाई। दुनिया बू और आप क्रीचर में तो इन्हें देख ही रहे हैं और फिल्म में इन्होंने काम किया था 2002 से। हल्क में आए थे ये, हल्क में, और 2002 से ये बढ़ते गए। 2002 में इन्होंने सर की भूमिका निभाई। ओकाना मेल के डैम शॉर्ट फिल्म थी। मोरू लेमेट और सुगनी सुपर अजान के 9 2008 आजवर शॉर्ट फिल्म 2009 को सूल दमका इंटामेन अथवा एतवा मैकलर कुंजामरीन की भूमिका निभाई और इसके साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारी शानदार भूमिकाएं निभाई थी आए हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टार की, जिनका नाम है आराम दिलदार। मुहर्रम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आराम दिलदार ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इनका जन्म 1 फरवरी 1990 को हुआ था। 30 ईयर्स ओल्ड हैं और इसी से ये वर्क करते आ रहे हैं। और अभी ये नए एक्टर हैं, ज़्यादा कोई इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है और इनके बारे में कहीं ज़्यादा बायोग्राफी और वगैरह लिखी भी नहीं है ताकि हम बता दें आपको, और ना हम इनके बारे में जानकारी मिल पाई है। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में इनके बारे में लिख दें, मैं हम और ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी वेब सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक और नई सीरीज़ की, जिसका नाम है रक्षक, जो कि सेम एक्टर ने की है जो इसमें है। उनका नाम आपको बता ही दिया है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका नाम है द प्रोटेक्टर। इस मूवी के बारे में हम आपको बताते हैं। द प्रोटेक्टर तुर्की हाकन मुहाफिज एक तुर्की नाटक फंतासी फिल्म है जो कि बिल्कुल सेम द क्रिएचर की तरह है, जिसमें कैटरो क्यूकोलोसी ने अभिनय किया है। ये शो बितुर कॉर्नेवेली द्वारा बनाया गया है और इसका पहला सीजन ओ माइट ऑरल यौग्निक उपन्यास कैनन अनबोल द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसके साथ साथ ही आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये कहानी तुर्की के उपन्यासकार लिनोफिल डोएक गोडेक के रहस्य में उपन्यास काकार कोलम से है। डिहालिक नफाली तुहा की हियासी द स्ट्रेंज ऑफ स्टोरी ऑफ चार कॉलोनियन मैन से ली गई है, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। पहले सीजन में 10 एपिसोड है और 14 दिसंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो गया था। दूसरे सीजन में 8 एपिसोड 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुआ था। 10 जून 2019 को सीरीज के तीसरे और चौथे के लिए नवीनीकृत किया गया था और उसका पिछला सीजन 9 जुलाई 2020 को रिलीज होगा। लेकिन अब ये वापस आने वाली द प्रोटेक्टर वाली, जो कि आपको 2023 में देखने को मिलेगी। इसकी रिलीज डेट अभी बताई नहीं गई है, लेकिन हम इसकी स्टोरी के बारे में पहले ही बता देते हैं। अपने दत्तक पिता नसेट के मारे जाने के बाद इस्तांबुल ने एक दुकानदार डाकिन हैमिर से पता चलता है कि वह प्राचीन गुप्त आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसका जो प्रोटेक्शन है, मतलब जिसका कर्तव्य है कि वह अपने शहर की रक्षा करना है। हाकन को एक रक्षक के रूप में अपने परिवार के विरासत को अपनाना होगा और शहर की रक्षा करनी होगी। वह नायक के रूप में जिसका कर्तव्य अमीर होकर मरना है और शहर को विनाश से रोकना है। उन्हें कैमिल उनकी बेटी जनरल ब्लॉयन ओसेन गुप्त आदेशों के सदस्यों द्वारा मदद की जाती है, जो रक्षक की सहायता करने के लिए समर्पित है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। आपने स्टोरी जाने ली है। ये तुर्की में हक्कन मुहाफिज के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में रक्षक और इंग्लिश में द प्रोटेक्टर के नाम से जानेंगे। ये एक कल्पना, इमेजिनरी एंड एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर विषित है और इसमें थोड़ा स्काईफाई भी है थोड़ी सी, और बिनोन करवेली द्वारा बनाई गई है। रिफुल इंबेकियन गोडलेक द्वारा पर आधारित है। उनके, जैसा कि मैंने आपका निफुल इंडे गोडेकला द्वारा काकर कोलम्बी मार्की डिफली हुताप की इस उपन्यास पर ये आधारित है और जैसन जॉर्ज द्वारा लिखी गई है। यासिम यमलांजे एमो कैरिम सीलन द्वारा लिखित है। इसकी जो निर्देशक है उमट अरेल योगनिक उपायनी एरावेल कार्ले ब्रुक एस्टोलिन गोखान है त्रियकी। इसमें जो स्टार कास्ट है कंगयादे उत्सुलू आयका यसनी तुराके हजार एंग्लू उतीसी यूनेटा फंटा एग्रिस टैनर एमज। टीम है तूफान आयदित। इसके संगीतकार हैं तुल्फा योगलू एमिन यासिन तोरले और इसके साथ साथ ही एकिन एती टर्की से आया है और वास्तविक ओरिजिनल लैंग्वेज की तुर्की है। इसकी जो सीरीज़ों की संख्या 4 है और एपिसोड इसके 32 है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी। इसके जो एपिसोड हैं, मैंने आपको बताया कि इसके जो सीरीज़ हैं, मतलब पार्ट 4 है, एपिसोड 32 है, सीरीज आपको मिल जाएगी, दिखा दूंगा अभी। ऑर्नेर गुयेताम इसके जो कार्यकारी निर्माता हैं वो हैं जैसे जॉर्ज बित्तूर कार्वेली, और इसके जो निर्माता में एलेक्स सदरलैंड भी आता है। प्रोडक्शन जो है इस्तांबुल में हुआ है इसका, जो कि तुर्की में है, जिससे टर्की भी बोल सकते हैं। गोखान त्रियकी ने इसका सिनेमेटोग्राफी की है, 30 से 50 मिनट के अंदर ये है। नेटफ्लिक्स कंपनी ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और इसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी नेटफ्लिक्स और O3 मेगा ने किया है। नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2018 से 18 से आई थी, 9 जुलाई 2020 को इसका लास्ट सीरीज रहा था, और इसके साथ साथ ही ये। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में बात की, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी आपको वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसा ही कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहें। हम हर OTT प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, हर OTT प्लेटफॉर्म, नेशनल इंटरनेशनल सभी की सीरीज, मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन और उनका फैक्ट, डिटेल, रिव्यू सब कुछ हम लाते रहते हैं। तो आपका जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों अब हम इस सीरीज़ के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता ही चुके हैं, और अब हम आगे चल के इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो पाएगी, यानी इसकी जो कास्टिंग है उनके बारे में कुछ डिटेल बच चुकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बढ़ता रहा था। इसके अंतिम रक्षक डैमिन 20 साल का एक व्यक्ति है, जो इसके कास्ट की अब हम बात कर लेते हैं, जो कि। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके जो अंतिम रक्षक है उसमें हकन डेमिर और 20 साल के व्यक्ति जो अपने दत्तक पिता और नौसेट के लिए ग्रैंड बाजार में उनकी छोटी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर काम करता है, लेकिन एक बड़ा स्टोर खोलने में और सफल होने का सपना देखता है। रहस्यमयी ऑटोमैन शर्ट की तलाश कर रहे लोगों द्वारा नसेट को मारने के बाद जसेड और केपल उसे शर्ट के पहनने के लिए कहता है, जैसे ही वह उसके शरीर के साथ जुड़ जाता है वह एक श्रृंखला का जो रक्षक है उसका नायक बन जाता है। सीजन 1 और 2 में यही दिखाया जाता है। प्रथम रक्षक हारून मुआफिज, इसमें जैनब अहमर के रूप में हजार एकगुल जो वफादार लोगों में से एक है, जो हाकन की प्रचलित प्रेम रुचि, और वह अपने पहले तो वह हकन को ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई क्योंकि वह उसकी युद्ध तकनीकों से प्रशिक्षित करती, लेकिन अंततः उसके प्रति समर्पित हो जाती है और बार बार उसे उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। योकान अम्बली फैडम एतम और यूसेफ होजा के रूप में संकला के प्रतिपक्षी, जो दूसरे इम्पोर्टल और एक सफल व्यवसायी हैं, जिनके करियर में हकन को खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। ले का ससेक के रूप में अयान हयासिन तुरम, एडम की सहायक और हकान की पहली प्रेमिका। रोमिया एडम कैडविंग फैसल की पत्नी प्रेमिका के रूप में बुसेल टेंजाओ की, और इसके साथ आती निसातुर वेलेरिया रूप में फंडा एरिगेट, एक रसायन यज्ञ प्रथम अमर और वंजीर हवे असल के हारून की प्रेमी। हकन के भाई लेविट टैमिर के रूप में एंजिल और जेंटेक, जापान फार्मिस्ट के पिता कैमल एमआरटी के रूप में यूसुडे ओकुर, एक वफादार व्यक्ति, और एडम के गुर्गे मजम टोशिंग के रूप में अहमद तुकुसे टैकिन के रूप में मोहम्मद जिमालथी याक, और एडम के पेशरोल एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी नशीद कॉकरेजम के रूप में यूसेल एटम, हाकान के दत्तक पिता और एक वफादार मेमो के रूप में कनकेट आयोडेक, हाकान का चचेरा भाई जो जुए की समस्या से ग्रस्त है। डोफेन कलाकार सुजैन बैक्टार के रूप में यासिन कराका, एक पत्रकार, और सिहाटी सुवेगेल्ला के साथ है। इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा यार कि आप हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी वीडियो 1 घंटे की लगभग होती है, हम उसमें पूरा आपको डिटेल देते हैं और इसके साथ साथ आपको पूरा उसके बारे में खुलकर बताते हैं, ताकि आप लोग जान जाएँ और आपके साथ कोई दिक्कत भी ना आए। ये सब तो है ही उनके बारे में। अब हम और सबके बारे में जान लेते हैं, जिनके जो थे यासिन कारकारा के एक पत्रकार था। इसके बाद अमीर एक वफादार व्यक्ति के रूप में कैम क्यूटी सुसुले, जो कि बहुत सारे स्टार कास्ट है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो इसमें बहुत सारे मेन लीड रोल निभाने वाले कैरेक्टर हैं। ड्रे के रूप में सैन है, आयोडीन एक पतित व्यक्ति, सरदार के रूप में कुरियाबिन आक्स्यूम एक वफादार, सीलन के रूप में हेलिन कैमेडियर एक वफादार, कैन हाकन के रूप में माँ वफादार, पिराए बुराका और बहुत सारी इसमें हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों इसका पहला सीरीज़ जो आया था उसमें 10 एपिसोड के साथ 14 दिसंबर 2018 को आया था। इसके बाद दूसरा जो 8 एपिसोड थे जिसमें 24 अप्रैल 2019 को आया था। इसके बाद तीसरा जो था 7 को आया था 6 मार्च 2020 को 7 एपिसोड के साथ। चौथा आया था इसका 7 एपिसोड के साथ 9 जुलाई 2020 को। 2023 को भी वापसी होगी, इसके बारे में हम आपको जल्दी बताएंगे। अब इसके बहुत सारे सीज़न हैं, सब कुछ हैं, इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन हम अगले पार्ट में ही करेंगे, लेकिन हम उससे पहले इसमें जान लेते हैं निर्देशक, डायरेक्टर और उन सब के बारे में। अब सबसे पहले जो मेन लीड रोल निभाने वाला एक्टर है उसके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। कताए उल्लूसोए, इनका जन्म था 23 सितंबर 1990। ये एक तुर्की अभिनेता और मॉडल है जिन्हें टीवी श्रृंखला आदिन फराम कोयुद्दीन 2011-12 में अमीर सैफुल के रूप में अभिनय करियर की शुरुआत की इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने जाना जाता है। तब से उन्होंने मेडिसी ट्रेवल श्रृंखला रीमेक और मुख्य भूमिकाएं इन्हें मिलती आ रही है। उन्हें पहली नेटफ्लिक्स श्रृंखला द प्रोटेक्टर में प्रमुख भूमिका निभाई है। यूसलो ने कई पुरस्कारों में से प्राप्त करता है जिनमें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड, एल.ए. स्टाइल अवार्ड, जेम्यू इन द इवार टर्की जैक्यो मिडल ईस्ट टेलीविज़न स्टार ऑफ द ईयर भी शामिल है। जीवन और करियर की बात करें, यूसला का जन्म इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और जब वे 10 वर्ष के थे तो उनके पिता तुर्की चले गए थे। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है अटलाय है। उनकी मातृ परिवार वेस्काइशी बंस्का है। हाई स्कूल स्नातक होने के बाद यासलो ने सबसे पहले इस्तांबुल विश्वविद्यालय में उद्योग डिज़ाइन और पुनः निर्माण विभाग में अध्ययन शुरू किया। कैसुला उसलो का अति सक्रिय बच्चा था जिसमें अपने माता पिता में उनकी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए उन्हें कम उम्र में ही खेलों में डाल दिया था। उन्होंने 9 साल तक बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा। वह तैराकी और गोताखोरी में भी अच्छे थे। एक छात्र के रूप में उन्होंने 19 साल के उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर काम करना शुरू कर दिया था और करियर को अपना करियर समझ लिया था। 2010 में उन्होंने तुर्की में एक मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती और तुर्की का सर्वश्रेष्ठ मॉडल नामांकित किया गया। जिस रात उन्हें उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मॉडल चुना गया था, उसी रात उन्हें टीवी सीरीज अधीन फेरी कोडियम के लिए अभिनय की पहली नौकरी का प्रस्ताव भी मिला था। 2011 में उन्होंने सहायक भूमिका में अपनी पहली फिल्म अनादिन कौतिक के लिए शूटिंग की और उसी वर्ष शुरुआत में यूसलोय ने टीवी श्रृंखला अधीनी फरी में कोयदों में अमीर फरीकुल्तू की प्रमुख भूमिका निभाई। जबकि श्रृंखला में पहले 2 सीजन में सफल रहे, तीसरे सीजन में जो एक अन्य शीर्षक इमरेम योलू अमीर का रास्ता के तहत प्रसारित हुआ, जो कम सफल रहा और कम रेटिंग के कारण इसे 6 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया था। और 2012 में इसका प्रमुख कारण यह था कि उसला सह कलाकार हैजल का तीसरे सीजन में नहीं थे। आदिनी फार्म योद्यम के बाद यूक्रेन, पाकिस्तान, सीरिया, सर्बिया, पेरू, भारत जैसे विभिन्न देशों में बेचा गया और इसे प्रसारित किया गया। 25 जनवरी 2013 को इस्तांबुल में नैरक और टी पुलिस द्वारा ड्रग जांच के लिए कसुम उसले सहित तुर्की अभिनेताओं को हिरासत में लिया गया। और इसके साथ साथ ही उनके करियर के साथ टीवी सीरीज के साथ अमीर फातकुल में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्हें हिरासत में लिया गया और हालांकि 2018 में प्रतिवादी कुछ वकीलों के अनुसार 18वें उच्च आपराधिक न्यायालय द्वारा निर्णय की जांच की। अदालत में मादक पदार्थ तस्करी के लिए अपराध के लिए स्थापित फैसले को रद्द करने का फैसला लिया गया। उन्हें फिर जेल से छोड़ दिया गया। और 2012 में यूसुलुलो एक शॉर्ट फिल्म पेनोराई की शूटिंग की और 13 से 15 तक उन्होंने मैडसिज अंग्रेजी में डाइड में यमन कोपर की मुख्य भूमिका निभाई, जो कि द ओसी पर आधारित था। उनका चरित्र यमन द ओसी बेन मंगेज जी का चरित्र यूराइड एटवुड पर आधारित था। 2016 से 17 तक यकलौज ने अपने सह कलाकार रास बुलुट, इले मैननी और बेनिस सोरेल इनसाइड आंशिक रूप से फिल्म द डिपोर्टर पर आधारित एक टीवी सीरीज आइसोलेट पर मुख्य भूमिका निभाई। 2016 में लेला डियाली ड्यूट के साथ यूलाई ने फिल्म डेबिल की शूटिंग की। उसी वर्ष में तुर्की में कोर्लिन का चेहरा बनकर विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल टेलर हिल के साथ कंपनी के लिए वाणिज्य बीज उधार में अभिनय किया। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने 2016 में लियाना ड्यूगल के साथ अभिनय बिजार में अभिनय किया। 2018-20 में उन्होंने ड्यूगल नेटफ्लिक्स सीरीज द प्रोटेक्टर में हाकन की भूमिका निभाई। द प्रोटेक्टर पहली तुर्की नेटफ्लिक्स सीरीज थी। 2021 में उन्होंने ट्यूसन कैल में उनके निर्देशक नेटफ्लिक्स फिल्म पेपर लाइन्स में कचरा बीनने वाले मेहमत के रूप में भी दिखाई दिए। इसके बाद अप्रैल 2021 में तुर्की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ब्लू टीवी ने घोषणा की कि ब्लू यूएस पीरियड ट्वीस जोकम में मुख्य किरदार बैसिम एड्स के रूप में वापस आएंगे। और इसके साथ साथ ही फिल्मोग्राफी में बता दूं कि 2023 में सलीमैन सांगली, 2021 पक्षी बर्ड कैटियम क्रिएचर में उन्हें भूमिका निभाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2009 से अभी तक वर्क करते आ रहे हैं और 23 सितंबर 1990 में इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से 23 वर्ष के हैं, 33 ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि बहुत अच्छा है और यंग है। अभी भी इस्तांबुल तुर्की के रहने वाले हैं। तुर्की का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2010 में इन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ मॉडल का। और मैंने आपको बताया कि 2009 से वर्क करते आ रहे। 2009 में सबसे पहला इनकी जो टीवी सीरीज थी उसका नाम था अरका सोका कलर, उसमें अफसर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2010 में इनको एक मूवी मिली थी जिनका नाम है रेसिपी विवादिक 3 में नर्तकी की भूमिका निभाई। 2011 से मूवी करते आ रहे हैं 23 तक। अभी 2011 में इनकी अन्नादुल कातवेरी की जो मूवी थी उसमें वर्क किया, अहमद और नूर की भूमिका निभाई। इसके जस्ट बाद इन्होंने 2012 में व्याहोम स्वयं की भूमिका निभाई। जिसके बाद 2015 में परलाए बसीर बजाय की भूमिका निभाई। 2021 में इन्होंने कैसिम हटकालर 2021 में बर्ड निर्देशक के रूप में वर्क किया। और सेटी मलेन 2023 में ये वर्क कर रहे हैं। सैनिन के बारे में, इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दें। और इसके साथ साथ अब आपको बताएंगे और आपको फिर वापस 23 में इसके बारे में जानना चाहते हैं सेल्टीमेंटर के बारे में तो हमें कमेंट कर दें, हम इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद ये 2011-12 में इन्होंने मूवी की टेलीविज़न सीरीज की एडिन फराहा। 2012 में आप टेलीविज़न सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम ईवी उडन जेडी अमिर योहुत्सू की भूमिका निभाई। 2012 में अमीरिन योल्लू की भूमिका निभाई और 2013-14 में निभाते आ रहे हैं। और 2023 में इन्होंने एक ट्रेलर की थी जो कि आपने देखा, इसके बारे में भी हमें बता दिया। बहुत ही शानदार मूवी थी, इसके बारे में पूरी सीरीज है, आप जाकर उसे हमारे देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक नए एक्टर के बारे में जानते हैं जिनका नाम है आयका यासिन तुरान। आयका यासिन तुरान 25 अक्टूबर 1992 में हुआ था। ये एक तुर्की की अभिनेत्री है जिन्हें मेरिन आर्मेजा हार्गिना गदा मसील में उनकी भूमिकाओं के लिए नामा जाता है। तुरान की माँ सिनोपा शहर से हैं। जो ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ था तो वह शहर यूनानी विजय के बाद उनका मातृ परिवार सैलमानिया, वर्तमान सेलोस्की, ग्रीस मुख्य भूमि तुर्की में आकर बस गया। उनके पिता कसमोनू से हैं। वह 7 भाई बहन और 5 लड़के और 2 लड़कियां में सबसे है और ये सबसे छोटी हैं। तुराग में को कमर में अभिनय और वायलिन में रुचि हो गई थी। बाद में उन्होंने रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, सिनेमा, भवा संचालन, इस्तांबुल विश्वविद्यालय में फिल्म का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ ही 25 अक्टूबर 1992 में 30 की उम्र में इन्होंने सियोप तुर्की में वर्क करना शुरू किया था। अलवा सेंटर इस्तांबुल विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है। पेशे से अभिनेत्री हैं। 2011 से अभी तक वर्क करती आ रही हैं। 2021 में इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट रोमांटिक एंड कॉमेडी एक्ट्रेस के लिए इन्होंने गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड जीता था और इसके साथ साथ ये फेमस हो गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक नई एक्टर्स के बारे में जिनका नाम है बुजुको जिनका नाम है बुरसिन तेर्जियोग्लू। बुरसिन तेर्जियोग्लू एक तुर्की अभिनेत्री हैं। 9 मार्च 1980 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से ये 43 ईयर्स ओल्ड है, अभिनेत्री है, 1985 से वर्क करती आ रही हैं। इनके जो जीवन साथी है मोरड येल्डिम है और लगातार वर्क करती ये आ रही हैं। उनका परिवार सिनेमा उद्योग में काम करता रहा है और टेंजान में 5 साल की उम्र में एक बाल अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक 45 फिल्मों और 16 टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया। दोस्तों एक रेडीमेड अभिनेत्री थी, पैदा हुई थी तब से ही। बाद में उन्होंने मुजुन गैजन और आर्ट सेंटर में अभिनय का अध्ययन किया और उन्होंने बचपन से कई हिट श्रृंखला और फिल्मों में भी काम किया है। उनकी पहली लोकप्रिय वयस्क भूमिका हिट रिवेंज कैसिन इंट्रोडेस में है। उन्होंने प्योरेज में कार्य में गोल्डन बटरफ्लाई सोसेस टोनी पुरस्कार अभिनेत्री पुरस्कार जीता। वॉल्सग्यू ने 2008 से 2014 तक अपने 13 सह कलाकार मोरेट मेडियम से शादी की और इसके साथ साथ वह आगे बढ़ती रहीं। अब आपको बता दूं टीवी सीरीज वेब सीरीज इन्होंने बहुत सारी कर दी हैं और इनकी एक नई टीवी सीरीज आती है सरमाइनी जमानी। इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इनके बारे में भी आपको बता देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और नए एक्टर्स के बारे में जानते हैं जिनका नाम है इंजिन ओत्सुकी के बारे में हम जानते हैं। ओत्सुकी का जन्म 28 जनवरी स्फीयर में होता। उनका पैतृक परिवार बुल्गारिया में आकर बसा। उनका मातृ परिवार थलसोनिया में है जो कि आज के ग्रीस से आकर बस गया है। इस ईयर फतेह इनागुदा हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद घंटे ने 8 वर्ष तक वॉलीबॉल खेला और उनके पिता तुर्की सेना में थे। उन्हें अपने पिता का पैसा चुना और इजमिर अंडर स्वे वाइकिन हाई स्कूल में प्रवेश किया। उन्होंने 2005 तक स्नातक की उपाधि की लेकिन उन्होंने सैनिक बनना छोड़ दिया। फिर उन्होंने हॉर्सवे विद्यालय से थिएटर विभाग से स्नातक किया और करियर उन्होंने सैन्य सेवा के साथ साथ अपनी असंगतता के कारण 2006 में टीसीए तुर्क सशस्त्र बल छोड़ दिया और अंकारा आ गए। उन्होंने 2012 में हिट्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंजर्वेटरी में थिएटर विभाग में उन्होंने शिक्षा पूरी की। वह अभिनेता एड्स में बार अटेंडर थे। 2011 में उन्होंने अर्जेंटेक टीवी सीरीज फाजगुल सुकू में जैसन के रूप में शुरुआत की। उन्होंने सीरीज बहजताम सी में अभिनय किया। बिंग अंकारा पैसोली 2013 में उन्होंने ऐतिहासिक नाटक मुअत्तम युलीम सलीम 2 में भूमिका निभाई। अब वह बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली है। उनकी गिनती 7वें सबसे सुंदर तुर्की अभिनेताओं में से की जाती है और यह बहुत ही बढ़िया बात है। 2010 से अभी तक वर्क करते आ रहे हैं। हैम्पेंट यूनिवर्सिटी स्टैंड कैजुअलिटी एक्टर्स इन्होंने तुर्की के रहने वाले हैं। 37 साल ये ओल्ड हो चुके हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अब हम नए एक्टर्स की ओर बात कर लेते हैं जिनका नाम है टेनर एल्जेम के बारे में बता देते हैं आपको। 9 अगस्त 1986 एक तुर्की अभिनेता है। उनका परिवार तुंसेली जाजा वंश का है। बराबर ग्रुप के प्रमुख गायक थे। उन्होंने बता ही दिया मैंने आपको इनके बारे में और इनके बारे में तो इसी वीडियो में आ चुका है। फंडा एरगिट के बारे में बात कर लेते हैं। फंडा एरगिट तुर्सी सेलगेन जॉर्जिया मूल की हैं। कादरी हास एंड यड्डी हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने इस्तांबुल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान श्रृंखलाएँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग पूरा करने के बाद उन्होंने इस्तांबुल विश्वविद्यालय राज्य कन्वर्टरी थिएटर विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इस्तांबुल स्टेट थिएटर में 2012-13 से सीजन में जैसवीड में अपने प्रदर्शन के कारण 18वें सदरी एंट्री थिएटर में सिनेमा हाई प्लेम्बर अवार्ड में संगीत कॉमेडी में श्रेष्ठ संकलीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्हें 17वें थिएटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उन्होंने पहली बार लोकप्रिय श्रृंखला कैमिन आईबैन में उनकी भूमिका के लिए पहचाना गया। उन्हें कॉमेडी श्रृंखला इस्तांबुल अल्टो में अपराध श्रृंखला उकारा में कास्ट किया गया। गुब्बारा गुलसोय उजाय करिगम के साथ उन्हें श्रृंखला इसकी हुमाई में प्रमुख भूमिका निभाई। कौनसी में एसआरए भूमिका निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गई। उन्होंने लोकप्रियता श्रृंखला करदाय परंजय कलाजाय में शामिल हुई और इसके साथ साथ ही उन्होंने दुनिया में आगे बढ़े और अपना नाम रोशन किया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस हॉरर सीरीज़ के बारे में बात की और साथ ही साथ जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको देखने को मिली। 6 से 7 एपिसोड हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक तरह से ये कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा एक तरह से ये कंटेंट और हमारे ये चैनल पसंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप में से 10% भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। यदि आपने इस सीरीज़ को देख लिया है तो आपने अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा सजेशन ये है, एक ज़बरदस्त माल आपको हॉरर लवर्स के लिए देखने को मिला है। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।